नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रुचि भार्गव, सहायक प्राध्यापक, खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर। आज हम पाठ्यक्रम 509 उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन अधिगम के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में इतिहास का महत्व और ऐतिहासिक उपागम विषय पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इतिहास का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अपने अतीत को समझने की इजाज़त देता है, जो बदले में हमारे वर्तमान को समझने की अनुमति हमें प्रदान करता है। इतिहास विषय के द्वारा हम अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं। इतिहास में, भूतकाल में, जो हमारे समाज में या हमारे राष्ट्र में जो भी घटित हुआ, उसको समझने का सबसे महत्वपूर्ण साधन इतिहास है। इतिहास हमें हमारी मूल की संस्कृतियों और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, अर्थात हम अपने देश की संस्कृति साथ में विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जान सकते हैं। और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में हमें वैसे ही नहीं पता चलता, लेकिन इतिहास विषय के अंतर्गत हम अपनी संस्कृति और विभिन्न संस्कृतियों को जानकर अंतर सांस्कृतिक जागरूकता की समझ को बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने निम्न उद्देश्यों को सामाजिक विज्ञान और इतिहास विषय के द्वारा हासिल करना चाहा। कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने महत्वपूर्ण माना, जो कि सामाजिक विज्ञान और इतिहास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं? प्रमुख उद्देश्य हैं सामाजिक विज्ञान द्वारा सामाजिक न्याय, समानता और विविधता के सम्मान जैसे मूल्यों को समाहित करना, भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को समझना और उपयुक्त मुद्दों पर बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने इन सभी उद्देश्यों को इतिहास और सामाजिक विज्ञान द्वारा हासिल करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। इन सब उद्देश्यों को हम इतिहास विषय को पढ़ाकर प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हम विद्यार्थियों में विभिन्न सामाजिक मूल्य, विभिन्न आर्थिक मूल्य और राजनीतिक मूल्यों और उनकी अंतर्दृष्टि इतिहास विषय के द्वारा प्रदत्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम इतिहास का पाठ्यचर्या में महत्व को समझेंगे कि इतिहास विषय को पाठ्यक्रम में क्यों सम्मिलित किया जाता है। इतिहास विषय के द्वारा हम विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, साथ ही विद्यार्थियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ की महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं, अर्थात राष्ट्र में क्या घटित हो रहा है और उसका भूतकाल क्या था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं या विभिन्न राष्ट्रों की पहचान है, वो इतिहास विषय के द्वारा हम विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। इतिहास के द्वारा ही हम विद्यार्थियों में अंतः अनुशासनात्मक समझ का विकास कर सकते हैं। अंतः अनुशासनात्मकता का अर्थ होता है जब हम विविध विषयों को आपस में समन्वित करके विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो जब हम इतिहास विषय विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो इतिहास के साथ उन्हें सामाजिक जीवन अर्थात समाजशास्त्र, राजनीतिक जीवन अर्थात राजनीति शास्त्र, आर्थिक जीवन अर्थात अर्थशास्त्र जैसे विषय भी इतिहास के साथ समन्वित करके पढ़ाते हैं। अतः विद्यार्थियों में अंतः अनुशासनात्मकता की समझ विकसित होती है। नैतिक मूल्य, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, उन मूल्यों को विकसित करने के लिए इतिहास विषय पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। इतिहास विषय के द्वारा हम राष्ट्र के सुनहरे इतिहास से विद्यार्थियों को रूबरू करा सकते हैं और सुनहरे इतिहास को दर्शा सकते हैं, क्योंकि भारत का इतिहास एक बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, सुनहरा इतिहास रहा है। उस इतिहास को दर्शाने के लिए, समझाने के लिए इतिहास जैसा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहास विषय को पढ़ा के विद्यार्थियों में हम व्यक्तिगत आदर्शों और नायकों का चयन कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम भूतकाल के ऐसे व्यक्तियों का आदर्श बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्होंने कुछ महान कार्य किए हैं, जिनको आज भी हम याद रखते हैं। उन्हीं आदर्शों और नायकों के चयन के लिए हम इतिहास विषय विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इतिहास विषय विद्यार्थियों की वैश्विक समझ को बढ़ाता है, विश्व के बारे में उनकी समझ को बढ़ाता है, विभिन्न राष्ट्रों को समझने में,
राष्ट्र की संस्कृति को समझने में, विभिन्न राष्ट्रों के मूल्यों को समझने में इतिहास विषय एक महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास विषय मानव जाति की प्रगति को भी समझाता है कि मानव ने, इंसान ने किस तरह से प्रगति करी और उसका आज का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमें कैसे प्राप्त हुआ। इतिहास विषय विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है, अर्थात वो हर पहलू को, हर तथ्य को अच्छे तरह से जांच पड़ताल करके ही सही सत्य मानते हैं, सही मानते हैं। इसलिए विद्यार्थियों में हम आलोचनात्मक चिंतन का विकास कर सकते हैं। इतिहास विषय के द्वारा हम विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति की विविधता के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी विशाल है, साथ में वो कितनी विविध है, फिर भी उसमें एकता कायम है। ये समझ हम विद्यार्थियों को इतिहास विषय के माध्यम से दे सकते हैं। इतिहास विषय के द्वारा भारतीय समाज के उद्भव, अर्थात भारतीय समाज किस तरह से उसका जन्म हुआ और उसकी उन्नति किस तरह हुई, इसका ज्ञान देना इतिहास का उद्देश्य है। इतिहास भारतीय समकालीन समस्याओं को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है, अर्थात आज की जो समस्याएं हैं उनका इतिहास से कैसे गहरा नाता है या इतिहास से वो कैसे जुड़ी हुई हैं, ये सभी चीज़ें हम इतिहास के माध्यम से विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। इतिहास विषय के द्वारा हम ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के महत्व को समझा सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहरें आज भी संरक्षित करके अगर रखी जाएँ तो उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है संस्कृति को समझने के लिए। तो उन धरोहरों को कैसे संरक्षित किया जाए और वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझाना इतिहास का उद्देश्य है। इतिहास विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करता है कि विश्व में जितने भी लोग हैं उनके साथ समरसता के साथ विद्यार्थी रहें, सबके लिए प्रेम का भाव हो, ये भाव भी हम इतिहास विषय के द्वारा विद्यार्थियों को दे सकते हैं। विद्यार्थियों, इतिहास के महत्व को समझने के बाद अब हम ऐतिहासिक उपागम को समझेंगे कि ऐतिहासिक उपागम का क्या अर्थ है। चूंकि इतिहास हमें हमारे सुनहरे भूतकाल से परिचित कराता है, इतिहास को पढ़कर हम अपने अतीत को जान सकते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षित भी रख सकते हैं। इतिहास को निर्मित नहीं किया जाता बल्कि उसे दत्तों, प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पर रचित किया जाता है। विद्यार्थियों, जब इतिहास को लिखने के लिए इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का सहारा लेते हैं जिसमें कुछ लिखित हो सकते हैं और कुछ अलिखित हो सकते हैं। स्पष्ट है कि जब सामाजिक वैज्ञानिक इतिहास को जानने के लिए विभिन्न स्रोतों का सहारा लेते हैं तो अतीत को यह जानने का अभ्यास ऐतिहासिक उपागम कहलाता है। इतिहास कैसे निर्मित होता है? इतिहास विभिन्न स्रोतों की सहायता से निर्मित किया जाता है और जब वैज्ञानिक या इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का सहारा लेते हैं तो ये जो क्रिया है, ये जो अभ्यास है, इसे हम ऐतिहासिक उपागम कहते हैं। विद्यार्थियों, इतिहासकार इतिहास को बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों का सहारा लेते हैं। इतिहास के इन स्रोतों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, पहला उपलब्धता के आधार पर और दूसरा प्रमाणों के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर इतिहास के स्रोतों को हम तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, पहला पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और मौखिक परंपराएं। प्रमाणों के आधार पर हम इतिहास के स्रोतों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, पहला प्राथमिक स्रोत और दूसरा द्वितीयक स्रोत। विद्यार्थियों, अब हम विस्तार में इन स्रोतों का और उनके महत्व का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व में भौतिक संस्कृति के विश्लेषण के द्वारा मानवीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। पुरातात्विक अभिलेखों में कलाकृतियाँ, वास्तुकला, जैव व्यवहार या पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक परिदृश्य शामिल होते हैं। विद्यार्थियों, पुरातात्विक स्रोतों के भी आगे तीन वर्गीकरण हैं। वो तीन वर्गीकरण कौन कौन से हैं? पुरातात्विक अवशेष और स्मारक, शिलालेख और सिक्के, जिनके अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। अर्थात पुरातात्विक स्रोतों के अंदर भी बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे विशिष्ट है पुरातात्विक अवशेष और स्मारक। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, पुरातात्विक अवशेष का मतलब है कि जो खंडहर, जो स्तूप, मंदिर इत्यादि हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं, उत्खनन के दौरान मिलते हैं, उन पर आधारित जब इतिहास का निर्माण किया जाता है
वो हम पुरातात्विक अवशेषों और स्मारकों के अंदर उसको शामिल करते हैं। उत्खनन और अवशेषण के परिणाम स्वरूप प्राचीन खंडर, अवशेष, स्मारक आदि इतिहास के पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक अवशेषों को इसकी तिथियों के लिए रेडियो कार्बन विधि की वैज्ञानिक परीक्षा से प्रमाणित किया जाता है। पुरातात्विक स्रोत हमें प्राचीन लोगों के जीवन का कुछ ज्ञान देते हैं। भारत प्राचीन खंडरों, अवशेषों और स्मारकों से समृद्ध है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व के बारे में पूरी दुनिया ने जाना। संपूर्ण भारत में अनगिनत ऐतिहासिक स्मारक जैसे मंदिर, स्तूप, मठ, किले, महल आदि हैं जो प्राचीन समय की झलक हमें प्रदान करते हैं। इसी प्रकार उपकरण, हथियारों और बर्तन आदि लोगों के रहने की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। इन सब चीज़ों के द्वारा, इन सब सामग्री के द्वारा हम उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इत्यादि स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, दूसरा जो इसका भाग है वो है शिलालेख। शिलालेख जैसे नाम से हमें विदित हो रहा है, शिलाओं के ऊपर जो उत्कीर्ण या उत्खनन कार्य है उनमें चित्र भी हो सकते हैं, चित्रकारी हो सकती है इत्यादि के द्वारा जब हम इतिहास का निर्माण कर रहे हैं वो शिलालेखों की श्रेणी में आता है। शिलालेख एक मूल्यवान ऐतिहासिक तथ्यों की आपूर्ति करते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। प्राचीन शिलालेखों और अभिलेखों पर जो लेख उत्कीर्ण होते हैं उनके अध्ययन को पैलेगोग्राफी कहा जाता है। चट्टानों, खम्भों, पत्थरों, स्लैब, इमारतों की दीवारों और मंदिरों की दीवारों पर शिलालेख उकेरे जाते हैं और अभिलेख मोहरों और तांबे की प्लेटों पर भी पाए जाते हैं। अर्थात इन सभी पर उत्कीर्ण जो भी चित्र हैं या कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उनके आधार पर हम इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। सामान्य रूप से ये जो शिलालेख हैं इनसे हमें प्रशासनिक, धार्मिक और राजनीतिक आदेशों से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। और भारत का सबसे जो प्राचीन शिलालेख है उसमें अशोक के विशाल शिलालेख हैं। जैसा कि अशोक सम्राट ने स्वयं जो बातें उन्होंने बताई, जो बातें प्रसारित करी, उन्हीं चीज़ों को इन शिलालेखों पर उत्कीर्ण किया गया है। इसके अलावा भारत में और जो शिलालेख मिले हैं उसमें खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख, इलाहाबाद का स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त के शिलालेख इत्यादि चट्टानों और खम्भों से हमें प्राप्त हुए हैं। इन सभी शिलालेखों से हमें राजनीतिक, प्रशासनिक और धार्मिक मामलों की जानकारी मिलती है कि उस समय के राजा अपनी प्रजा के लिए किस तरह का कार्य करवाते थे और किस तरह का शासन प्रबंध उस समय में होता था। इन सब बातों की जानकारी हमें इन सभी स्रोतों से प्राप्त होती है। विद्यार्थी, जो तीसरा इसका प्रकार है वो है सिक्कों का अध्ययन, जिसे हम न्यूमिस्मैटिक भी कहते हैं। क्योंकि सिक्के एक बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है और सिक्के ज़्यादातर प्राचीन काल में सोने के, चांदी के, तांबा या सीसा से बने होते थे। जलीय मिट्टी से भी कुछ सिक्के हमें मिले हैं जो कुषाण काल के हैं और उनके सांचों की भी खोज की गई है। अब ये सिक्के क्यों महत्वपूर्ण हैं? आप जब किसी सिक्के को, प्राचीन सिक्के को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसमें कुछ धार्मिक और पौराणिक प्रतीत सिक्कों पर उकेरे होते थे जो उस समय की संस्कृति पर प्रकाश डालते थे। सिक्कों में राजाओं और देवताओं के चित्र भी समाहित होते थे, साथ में उनकी तिथियाँ, उनका समय भी उत्कीर्ण होता था और सिक्कों से हमें उनके आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, दूसरा जो स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोतों को भी हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं: धार्मिक साहित्यिक स्रोत, गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत और विदेशियों द्वारा विवरण। धार्मिक साहित्य स्रोत में हम वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे महान महाकाव्य और हिंदुओं के पुराण को शामिल करते हैं। ये धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक प्रणालियों, लोगों के शिष्टाचार, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थानों और संस्कृति की स्थितियों के बारे में जानकारी का भंडार है। हिंदू धर्म के अलावा जैन और बौद्धों का धार्मिक लेखन भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके धार्मिक स्रोतों के द्वारा भी हमें उस समय की जीवन यात्रा का दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है। दूसरा जो प्रकार है वो है गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये धार्मिक नहीं है। इसमें कानूनी पुस्तकें, धर्म सूत्र इत्यादि शामिल किए गए हैं। इन स्रोतों में राजाओं
और उनके कर्तव्यों का, साथ ही संपत्ति का, हत्या, चोरी इत्यादि अपराधों के लिए जो दंड निर्धारित किए गए थे उनका सम्मिश्रण होता है। सबसे महत्वपूर्ण गैर साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र को हम मानते हैं, जिसमें न केवल राजनीति बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रणाली के बारे में भी विचार प्रदान किए गए हैं। अन्य जो दूसरा प्रकार है वो है मौखिक परंपराएं। मौखिक परंपराएं भी इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मौखिक परंपराएं क्या होती हैं? मौखिक परंपराओं में मौखिक रूप से सूचनाओं का संचार होता है। ये सूचनाएं कौन सी हो सकती हैं? ज्ञान की, कला की, सांस्कृतिक हो सकती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित होती है। मौखिक इतिहास में व्यक्तियों और परिवारों, उनकी महत्वपूर्ण घटनाओं, साक्षात्कार, उनके प्रतिलेखन का उपयोग और संग्रहण किया जाता है। मौखिक परंपराएं भाषण या गीतों के माध्यम से भी संचरित होती हैं और ये गीत या भाषण में लोक कथाएं, मंत्र, गद्य और छंद इत्यादि शामिल होते हैं। विद्यार्थियों, जो अन्य प्रकार थे वो थे प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में हम किसी घटना, वस्तु, कला या काम के बारे में प्रत्यक्ष सबूत जब हमारे सामने होते हैं उसे हम प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत लेकर आते हैं। प्राथमिक स्रोतों में ऐतिहासिक और कानूनी दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शी खाते, प्रयोगों के परिणाम, रचनात्मक लेखन के परिणाम, ऑडियो और वीडियो अभिलेख, कलात्मक वस्तुएं इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर हम प्राथमिक स्रोतों में किन किन का समावेश करते हैं? हम संगठन के रिकॉर्डों का, भाषण का, पत्रिकाओं का, पत्र और डायरी का, तस्वीर, कलाकृतियाँ जैसे कपड़े, परिधान, फर्नीचर, इन सभी को हम प्राथमिक स्रोतों में शामिल करते हैं। प्राथमिक का अर्थ है कि जो उस घटना से बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई हैं, जो उसी का प्रमाण हमें प्रस्तुत करनी है, उसे हम प्राथमिक स्रोत मानते हैं। विद्यार्थियों, जब हम प्राथमिक स्रोतों का उपयोग करते हैं उस समय हमें बहुत सी बिंदु ध्यान में रखने चाहिए, बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जब हम प्राथमिक स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं तो स्रोत को किसने बनाया, कब बनाया गया और किसने इसे बनाया था, उसके बारे में हम विचार करते हैं। स्रोतों का संदर्भ क्या था, किस संदर्भ में इन स्रोतों को बनाया गया, क्या ये स्रोत विश्वसनीय है और इसे विश्वसनीय क्या बनाता है, क्या उस समय का समय इसे बनाता है या जिसने इसे लिखा वो इसको विश्वसनीय बनाता है, अर्थात पूरी तरह से इन स्रोतों का हम जब अध्ययन करेंगे इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख के ही इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अर्थात ये प्राथमिक स्रोत उपयोग में लाते समय बहुत से बिंदु हमें ध्यान में रखने होंगे। विद्यार्थियों, अगला जो प्रकार है वो है द्वितीयक स्रोत का। द्वितीयक स्रोत क्या है? द्वितीयक स्रोत उस घटना, अवधि या इतिहास के बारे में कोई स्रोत हैं जो उस घटना के बाद उत्पादित किए गए थे। देखिए यहाँ पे आपको अंतर पता चल रहा है। प्राथमिक स्रोत वो हैं जो घटना के समय से बिल्कुल संबंधित हैं। द्वितीयक स्रोत वो हैं जो उस घटना के बाद बनाए गए हैं। आम तौर पे ये किनके द्वारा बनाए जाते हैं? ये उन लेखकों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं जिन्होंने ऐतिहासिक विषय की जांच करते समय पिछले युग या युग से संबंधित विभिन्न प्राथमिक स्रोतों की जांच की है। आत्मकथाओं, भाषणों, सरकारी अभिलेख जैसे सबूतों के अच्छे तरीके से विश्लेषण के बाद माध्यमिक स्रोतों के लेखक विशेष ऐतिहासिक विषयों के बारे में व्यापक निष्कर्षों की श्रृंखला तैयार करने में सक्षम होते हैं। द्वितीयक स्रोतों के उदाहरण में हम आत्मकथाएं, वृत्तचित्र, व्याख्यात्मक निबंध, संपादकीय समाचार पत्र लेख आदि का उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों, द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करते समय भी हमें बहुत से बिंदु ध्यान में रखने होते हैं। क्या ध्यान में रखेंगे हम बातें? कि ये जो स्रोत हम उपयोग कर रहे हैं ये वैज्ञानिक है या लोकप्रिय है, वैज्ञानिकता इन्हें कौन प्रदान करता है और लोकप्रियता इन्हें कौन प्रदान करता है, जो स्रोत हैं उनके श्रोतागण कौन हैं, इस स्रोत का उद्देश्य क्या है, परिपेक्ष्य क्या है और ये आपके शोध का समर्थन करने में आपकी सहायता कैसे करेगा। विद्यार्थियों, ये हुआ ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम के विभिन्न प्रकार अर्थात विभिन्न स्रोतों के प्रकार। अब हम ऐतिहासिक उपागम को उपयोग में कैसे लाते हैं, उसके लिए कौन कौन से दिशा निर्देश हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब भी हम किन्हीं स्रोतों का अध्ययन करते हैं या उन्हें उपयोग में लाते हैं उससे पहले हमें दो तरह की आलोचना या दो तरह से उन्हें सच या झूठ को
कैसे सम्मिलित करना है वो देखते हैं। दो तरह से इसकी आलोचना कर सकते हैं, दो तरह से इसका हम संदर्भ देख सकते हैं, पहला बाहरी आलोचना और दूसरा आंतरिक आलोचना। बाहरी आलोचना एक शोधकर्ता द्वारा ऐतिहासिक अध्ययन में उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों की वास्तविकता को संदर्भित करती है। बाहरी आलोचना में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें अध्ययन करेंगे कि क्या जो लेख लिखा गया है या स्रोत है वो घटना से पूरी तरह से संबंधित है, या घटना के बाद लिखा गया है उस प्रतिलिपि की मूलता क्या है और सटीकता क्या है, और यदि उसमें कोई त्रुटियां हैं तो त्रुटियों की प्रकृति का आकलन करने में किस तरह की अभ्यासों को दर्शाया गया है। आंतरिक आलोचना, इस आलोचना को हम उच्च आलोचना भी कहते हैं। आंतरिक आलोचना में हम दस्तावेज जो हमारे सामने हैं, स्रोत हैं, उसका अर्थ और उसकी भरोसेमंदता को शामिल करते हैं कि क्या वो भरोसे लायक है या नहीं, क्या उनका मूल्य, उनकी विश्वसनीयता है, क्या वो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं, और क्या वो अवलोकन अलग अलग समूहों और अलग अलग संबद्धताओं से संबंधित हैं। विद्यार्थियों, अब हम ऐतिहासिक उपागम के महत्व को समझेंगे कि ऐतिहासिक उपागम के महत्व क्या है और इसके लाभ क्या हैं। ऐतिहासिक उपागम पर आधारित जो इतिहास लेखन होता है वो प्रमाणों पर आधारित होता है, क्योंकि सभी स्रोत आंतरिक या बाहरी आलोचना के आधार पर कसौटी पर कसे जाते हैं, इसलिए वो प्रमाणों पर आधारित है। इतिहास जो भी लिखा जाएगा वो विश्वसनीय और वैध होएगा, क्योंकि उसके पीछे हमारे पास कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई साक्ष्य ज़रूर उपस्थित होंगे। ऐतिहासिक उपागम में हम अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जिसमें हम खंडरों का लेखन, इसके अलावा सिक्कों का अध्ययन, इसके अलावा जो भी मृद भांड या जो भी सामग्री हमें उत्खनन से प्राप्त हुई है, उन सभी स्रोतों का हम अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक उपागम के द्वारा इतिहास लेखन पक्षपात से दूर होता है, क्योंकि इसमें इतिहासकार के स्वयं के मत शामिल नहीं होते, व्यक्तिगत मतों से दूर होता है इतिहासकार, और इतिहास लेखन की एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि जो भी स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं उनकी रेडियो कार्बन विधि के द्वारा उनकी ऐतिहासिकता और उनकी विश्वसनीयता की जानकारी की जाती है। विद्यार्थियों, सारांश में हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उपागम इतिहास लेखन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपागम है। धन्यवाद।